जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाली मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सब चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रश्न है, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है। तो आप लिखेंगे, जब एक समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों के साथ किसी विषय पर जीत हासिल करने के लिए या किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए जब संघर्ष करते हैं, तो उस संघर्ष को ही हम अंतर समूह प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब दो समूहों के बीच किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए संघर्ष होता है, तो उसी संघर्ष को हम अंतर समूह प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान समय में अभी क्रिकेट का आईपीएल चल रहा है, इस आईपीएल में दो समूह आपस में हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का कारण क्या है? तो जीत हासिल करना। तो दो समूह आपस में संघर्ष करे तो उसे हम अंतर समूह प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। अगला है, उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है, उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। तो आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को यदि कोई काम दिया जाए तो वह व्यक्ति सौंपे गए काम को न करके किसी दूसरे काम में अपने आप को लगा देता है। मतलब जब व्यक्ति को किसी काम को दिया जाए लेकिन वह व्यक्ति उस काम को न करके किसी दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है या उस काम को ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पाता है, तो उसे हम उत्तरदायित्व के बिखराव के नाम से जानते हैं। जैसे विद्यार्थी को दायित्व दिया गया है पढ़ने का, लेकिन विद्यार्थी ईमानदारी से अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पा रहा है, विषय वस्तु को नहीं पढ़ पा रहा हो और किसी दूसरे काम में, मोबाइल चलाने में, क्रिकेट खेलने में या क्रिकेट देखने में अपने आप को लगा देता है, तो पढ़ाई को छोड़कर किया गया अन्य काम उत्तरदायित्व का बिखराव कहलाता है। अगला प्रश्न है, समूह के काम को लिखें। समूह और ग्रुप में कोई अंतर नहीं होता, याद रखेंगे। समूह के काम को लिखें या ग्रुप के काम को लिखें, तब लिखेंगे, समूह के अनेक सारे कार्य है, इसमें प्रमुख कार्य इस प्रकार है। समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उन अनेक प्रकार के कार्यों में कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर एक, सदस्यों को बाहरी आक्रमण से बचाना, सदस्यों को भोजन, आवास और यौन इच्छा को पूरा करना। तीसरा, सदस्यों को सभी प्रकार के जैविक और सामाजिक इच्छाओं को पूरा करना और अपने समूह के सभी कार्यों को, समूह के सदस्य के सभी कार्यों को
सभी प्रकार से सहयोग और सहायता करना, ये सब उनके कार्य है। अगला प्रश्न है, दुश्चिंता विकार क्या है? दुश्चिंता विकार क्या है, इसके क्या लक्षण है? प्रश्न है, दुश्चिंता विकार क्या है, इसके क्या लक्षण है? तो आप लिखेंगे, दुश्चिंता विकार एक मानसिक बीमारी है। दुश्चिंता विकार या दुश्चिंता बीमारी एक मानसिक बीमारी है, जो बीमारी भय से या डर के कारण उत्पन्न होता है। मतलब डर के कारण उत्पन्न होने वाला, भय के कारण उत्पन्न होने वाला जो मानसिक बीमारी है, उसी मानसिक बीमारी को हम दुश्चिंता विकार के नाम से जानते हैं। दुश्चिंता विकार के लक्षण है, हृदय गति का तेज हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, बार बार पेशाब आना, उल्टी जैसा मन करना, भूख प्यास नहीं लगना, नींद नहीं आना, शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आना और शरीर में थरथराहट या कपकपी होना, ये जो बीमारी है यह दुश्चिंता विकार के लक्षण है। अगला प्रश्न है, पूर्व धारणा क्या है? ध्यान देंगे, प्रश्न है पूर्व धारणा क्या है? तो आप लिखेंगे, पूर्व धारणा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बारे में पहले से विचार। पूर्व धारणा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पहले से विचार। पूर्व धारणा को अंग्रेजी में प्रिजड्यूस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के प्रिजड्यूसम शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी के बारे में बिना जाने पहचाने उसके बारे में निर्णय ले लेता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में पहले से जो विचार होता है, चाहे अच्छा विचार हो चाहे बुरा विचार हो, तो व्यक्ति के उस विचार को ही हम पूर्व धारणा के नाम से जानते हैं। अगला है, योग के 8 अंग कौन कौन है? योग के 8 अंग कौन कौन है, या इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा, अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? योग के 8 अंग कौन कौन है, या अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, योग जो एक दार्शनिक विचार है, योग जो एक दार्शनिक विचार है और इस विचार के प्रवर्तक, इस विचार के जनक महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि ऋषि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में योग के 8 अंग बताए हैं, जिसका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसी 8 तत्वों को हम अष्टांग योग या योग के 8 अंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, बहिर्मुखी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति सामाजिक होता है, मिलनसार होता है, समस्या से घबराता नहीं है बल्कि समस्या का डटकर मुकाबला करता है। तो इस प्रकार के प्रकृति वाला व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति कहलाता है, और बहिर्मुखी व्यक्ति का विचार कार्ल यूंग ने दिया था। दूसरा प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि के गुण को लिखिए। मनोविश्लेषण विधि के गुण को लिखें, तो आप लिखेंगे, मनोविश्लेषण विधि मानसिक विकार को दूर करने की, मानसिक विकार के उपचार करने की
एक विधि है। इस विधि के जनक सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषण विधि मानसिक विकार को ठीक करने की एक विधि है। इस विधि के जनक सिगमंड फ्रायड है। और मनोविश्लेषण विधि का पहला गुण है कि इससे हम व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा, निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती है। तीसरा गुण है, इससे व्यक्ति की योग्यता का, व्यक्ति के कौशल का हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, भागीयता से आप क्या समझते हैं या प्रादेशिकता से आप क्या समझते हैं? भागीयता क्या है या प्रादेशिकता क्या है? तो आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से लगाव रखता है और अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में विचार रखता है। मतलब जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने प्रदेश के बारे में सोचता है, अपने प्रदेश के बारे में लगाव रखता है, तो उसे हम भागीयता या प्रादेशिकता के नाम से जानते हैं। और भागीयता खास भाषा, खास भोजन और खास परंपरा का सूचक है। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव को लिखें। प्रश्न है, मानव के व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव को लिखें। तो आप लिखेंगे, मानव के व्यवहार पर जल प्रदूषण का बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का मानव के व्यवहार पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल प्रदूषण के कारण मानव कई प्रकार के बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे हैजा, पोलियो, टाइफाइड और पेचिस। इस प्रश्न को घुमाकर भी लिख देगा आपसे कि जल प्रदूषण से होने वाले कुछ बीमारियों का नाम लिखें। तो आप यहां भी लिखेंगे, जल प्रदूषण से मानव को होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड इत्यादि। और आज का अंतिम प्रश्न है कि सील गुण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है, सील गुण से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, प्रत्येक मानव में कुछ विशेष प्रकार का गुण होता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशेष प्रकार का गुण होता है। तो मानव में जो विशेष प्रकार का गुण होता है, उसी गुण को हम मानव का सील गुण के नाम से जानते हैं। मानव में जो विशेष प्रकार का गुण होता है, उस विशेष प्रकार के गुण को हम मानव का सील गुण कहते हैं। जैसे संकोची, लजालु, विनम्रता, दृढ़ता, ईर्ष्यालु, प्रभुत्वशीलता, अधीनता, आक्रमण्यता। तो व्यक्ति के अंदर जो ये गुण है, इसी गुण को हम व्यक्ति के सील गुण के नाम से जानते हैं। तो आज के प्रश्न में इतना ही। पुनः कल हम लोग एक नए विषय और नया टॉपिक लेकर आएंगे। आप नियमित हमसे जुड़े रहे और विश्वास दिलाते हैं कि आप इस नाइट में चलने वाले जो दो लाइव क्लास है, 8 से 8:15 और 8:45 से 9 बजे तक, निश्चित तौर पर आपको अच्छा अंक दिलाने में सहयोगी साबित होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।